नमस्कार दोस्तों, सैमसंग की तरफ से फिर से सैमसंग गैलेक्सी A50 में एक नया अपडेट दे दिया गया है। दोस्तों जो अपडेट है ये काफ़ी अच्छा अपडेट है, क्योंकि इस अपडेट में हमें काफ़ी अच्छा साइज मिलता है पहले के मुताबिक। तो दोस्तों आज मैं आपसे इसी अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ कि इस अपडेट में हमें क्या क्या नया देखने को मिलता है, क्योंकि इसका दोस्तों जो साइज है वो भी आप देख सकते हो 1 GB से ऊपर का है। ये देखिए 189 MB का है, 1089 MB सॉरी दोस्तों। और सिक्योरिटी पैच लेवल कर दिया गया है 1 फरवरी का। दोस्तों मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सैमसंग गैलेक्सी F41 में अपडेट क्यों नहीं मिल रहे। तो मैं आपको बता दूँ कि सैमसंग गैलेक्सी की दोस्तों जो एफ सीरीज होती है वो इतनी पॉपुलर नहीं है जितनी दोस्तों ए सीरीज है, क्योंकि ए सीरीज में हमें काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन देखने को मिलते हैं। और एफ सीरीज दोस्तों अभी लॉन्च हुई है कुछ टाइम पहले ही। दोस्तों जो A50 है इसमें हमें जो अपडेट मिल रहा है, जिसमें दोस्तों जो अपडेट है इसमें सिक्योरिटी पेज लेवल कर दिया गया है 1 फरवरी का। और साइज है दोस्तों इसका 1090 MB का। दोस्तों इसमें हमें क्या नया देखने को मिलता है? तो दोस्तों इसमें हमें कोई बड़ा अपडेट देखने को नहीं मिलता, जैसे आपको एंड्रॉयड 12 या 1 पॉइंट जो दोस्तों बनी हुई होती है 4 पॉइंट वाली आपको मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बट इस अपडेट को जब आप अपने फ़ोन में कर लोगे तो आपके फ़ोन की जो परफॉर्मेंस वगैरह है, जैसे लैगिंग, हीटिंग वगैरह की और बैटरी वगैरह की, वो दोस्तों काफ़ी हद तक ठीक होने वाली है। क्योंकि सैमसंग जब इस तरह के अपडेट देता है तभी देता है जब उसके फ़ोन में दोस्तों किसी डिवाइस में ज़्यादा दिक्कत आ रही हो। तो सैमसंग A50 काफ़ी अच्छा फ़ोन है और इसमें कोई ज़्यादा इश्यू नहीं आ रहा, बट ये कभी कभी लैगिंग करने लगता है तो वो इससे फिक्स हो जाएगा। जैसे दोस्तों आप इसमें साफ देख सकते हो कि डिवाइस की दोस्तों स्टेबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, वो काफ़ी हद तक फिक्स हो जाएगी। और दोस्तों इसका टेम्परेचर वगैरह दोस्तों जो हीटिंग वगैरह होती है वो भी काफ़ी हद तक दोस्तों इसकी फिक्स कर दी जाएगी। तो ये एक जो अपडेट है इस वजह से दिया गया है। तो अगर आपके पास ये फ़ोन है A50 तो आप फटाफट से इस अपडेट को कर लो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 1 GB के समथिंग का है, जिसे आप आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।